क्वेश्चन नंबर 12 है, थ्री टैप्स ए बी एंड सी टुगेदर कैन फिल एन एम्प्टी सिस्टर्न इन 10 मिनट्स, द टैप ए अलोन कैन फिल इट इन 30 मिनट्स एंड द टैप बी अलोन इन 40 मिनट्स, हाउ लॉन्ग विल द टैप सी अलोन टेक टू फिल इट। आपको बोला तीन टैप हैं ए बी और सी, ये मिलके तीनों एक खाली सिस्टर्न को, एक खाली टंकी को 10 मिनट में भर देते हैं। मीन्स ये खाली टंकी है, इसमें मैंने तीनों पाइप लगा दिए, ए पाइप लगा दिया, ये बी पाइप लगा दिया और इधर से एक सी पाइप लगा दिया, ठीक है। ये तीनों कितना टाइम लेते हैं, इस टंकी को पूरा भर देंगे 10 मिनट में, 10 मिनट्स में, ओके। फिर बोला टैप ए अलोन, कह रहा अकेले, अगर अकेले टैप ए से काम करवाया जाए, अलग केस है, अलग बताया आपको। कह रहा द टैप ए अलोन कैन फिल इट इन 30 मिनट्स, अगर कह रहा अकेले टैप ए को मैं इसके अंदर लगा दूँ तो अकेला अकेला अगर इस टंकी को भरने लगे तो अकेला वो 30 मिनट लेता है इस टंकी को भरने के लिए। आगे बोला है एंड द टैप बी अलोन इन 40 मिनट्स, और अकेले अगर टैप बी से भरवाया जाए, अगर अकेला टैप बी लगा दूं बीच में मैं और उसको बोलूं कि इस टंकी को भर दूं, तो टैप बी इस टंकी को भरने में 40 मिनट्स ले लेता है, 40 मिनट्स। इसके 30 और 40 का फर्क को देख के पता लग रहा है कि जो एट पाइप है वो ज़्यादा पानी डाल रहा है टंकी में, तभी 30 मिनट में टंकी फिल हो रही है, और जो बी पाइप है उससे कम पानी निकल रहा है, तभी किसके कंपैरिजन में, ए के कंपैरिजन में कम पानी निकल रहा है बी पाइप से, तभी उसने टाइम ज़्यादा लिया है, 40 मिनट्स लिए हैं इसने, 30 मिनट्स लिए हैं, ठीक है। अब आपसे पूछा है हाउ लॉन्ग विल द टैप सी अलोन टेक टू फिल इट। अब क्वेश्चन ये है, कह रहा अकेले टाइप अगर सी को, अकेले पाइप अगर सी को मैं कहूँ कि पाइप सी को खोल दूं और बोलूं कि चेक करूं कि पाइप जो सी है वो कितने समय में इस टंकी को भर देगा, वो आपने बताना है, ये कितने घंटे लेगा वो आपने बताना है। ऑप्शंस आपको गिवन है, आवर्स में नहीं है, सॉरी मिनट्स में है, सारे ऑप्शन ही मिनट्स में है, तो आपने मिनट्स में बताना है। चलो देखो, इस क्वेश्चन को करने का एक बड़ा अच्छा ट्रिक है, कंसेप्ट भी है, आपने करना है, आपने जितने भी टाइम दिए हैं ना, 10, 30 और 14 का एलसीएम निकाल लेना है, एलसीएम निकालो इनका, एलसीएम ऑफ 10, 30 और 40 कितना आया, 10, 30, 40 का एलसीएम लो, 10 वन ज़ा 10, 10 थ्री ज़ा 30, 10 फोर ज़ा 40, एक बार 3 पे जाएगा, एक बार 4 पे ही चला जाएगा क्योंकि 4 अकेला ही बच गया, कितना हो गया, 4 3 12 10, 120 एलसीएम क्या आ गया, 120। एलसीएम निकालने के बाद आपने सपोज कर लेना है ये जो एलसीएम आया, इतने लीटर की टंकी है, ये कितने लीटर की टंकी है, सपोज कर लो ये 120 लीटर की टंकी है, तो सारी 120 क्यों होंगी, क्योंकि टंकी तो सेम है सारी, तो ये टंकी कितने की है, 120 लीटर की है जितनी एलसीएम आई है। इतना करने के बाद बाद में आपने सबका एक एक मिनट का काम निकाल लेना है, 1 मिनट में कितना पानी डाला, 10 मिनट में 120 लीटर डाला तीनों ने, तो तीनों ने 1 मिनट में कितना डाला होगा, 1 मिनट में तीनों ने 1 मिनट में डाला होगा 120 बटा 10, क्योंकि 10 मिनट में 120 तो 1 मिनट में आएगा 12 लीटर, ठीक है। ऐसी अगर अकेले की एक ही बात करूं, उसने 30 मिनट लिए थे 120 लीटर को भरने के लिए, तो 1 मिनट का काम कितना आया, एक का 1 मिनट का काम कितना आया, 120 बाई 30, काट दो 3 चौके 12, 4 लीटर। ऐसी बी का चेक करो, बी ने 1 मिनट में कितना पानी डाला होगा अंदर, बी ने डाला होगा 120 बाई 40, काटो 4 3 ज़ा 12, 3 लीटर। तो आपको पता लग गया ए बी और सी अगर तीनों 1 मिनट के लिए मैं टंकी में खोलूं तो 12 लीटर पानी टंकी में चला जाता है, अगर ए को 1 मिनट के लिए खोलूं तो ए अकेला 4 लीटर डालता है, अगर बी को खोलूं मैं 1 मिनट के लिए तो 3 लीटर डालता हूं। इस वाले केस में ए और बी और सी तीनों खुल रखे हैं, मेरे कहने का मतलब यह है कि ए बी और सी तीनों 1 मिनट में कितना लीटर पानी डालते हैं, 12। पर आपको ए और बी का तो अकेले का पता है, ए अपना 4 डालता है, मीन्स इसने अपना 4 डाला है 1 मिनट में, बी ने कितना डाला है, 3 4 3 7, तो सी का निकल जाएगा 1 मिनट का काम, टोटल 12 बनाना है ना, तीनों का काम ए बी और सी का तीनों का 1 मिनट में 12 लीटर पानी अंदर टंकी में डाला, ए ने 1 मिनट में आपको पता है 4 लीटर डाला है और बी 1 मिनट में 3 लीटर डालता है, तब यहाँ पे भी ए और बी ने इकट्ठा काम किया, तो ए ने अपने 1 मिनट में 4 डाल दिया होगा, बी ने अपने 1 मिनट में 3 डाल दिया होगा, 4 3 7 बचा 5, 7 5 12 होते हैं ना, तो जो 12 5 बचा, ये 5 लीटर सी ने डाला है, तो सी ने
एक मिनट में 5 लीटर पानी अकेले ने डाला होगा। ठीक है, पता लग गया। एक मिनट में कितने? 5 लीटर। टंकी फुल करवानी है। आपसे पूछा है हाउ लॉन्ग विल द टैप सी अलोन टेक टू फिल इट। अगर सी अकेला इस टंकी को भरे तो कितना टाइम लेगा। तो टंकी कितने की है? 120 लीटर की। टंकी कितनी है? 120 लीटर की। और एक मिनट में 5 लीटर डालता है तो कितने मिनट लेगा? 120 बटा 5, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 24 मिनट लेगा। क्योंकि हर मिनट में 5 लीटर डाल रहा है ना, 5 5 5 5 करके, तो 24 मिनट में 120 लीटर सी अकेला टंकी को भर देगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? सेकेंड ऑप्शन, 24 मिनट्स।